हम यहाँ देखिए वर्ली CPS में आए हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी लोग योग करने के लिए आए हुए हैं। योगा कार्य योगा के योगा दिन में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यश पाटिल अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का काम करके आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे आप इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से पहुँचे? हम इन जून वी हैव स्टार्टेड थाई बॉक्सिंग मींस माय इट्स ऑल मींस योर प्रैक्टिस इन वन मंथ आई कवर होल टिल इंटरनेशनल आई डिडंट डू एनी प्रैक्टिस एंड एनीथिंग मतलब मैं कुछ प्रैक्टिस कुछ नहीं किया बस ऐसा मेरे मन में आया था। मैं तो बचपन से मेरा खेल यही है मेरे को बहुत पसंद है कराटे थाई बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग ये सब मेरा बहुत फेवरेट गेम्स है तो मेरे को ये गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है और इस लेवल से मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट में मैं हम लोग के हॉस्टल में से 13 बॉयज़ गए थे और 1 गर्ल उसमें का मैं स्टूडेंट हूँ गोल्ड मेडलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में भी गोल्ड में नेशनल में भी गोल्ड में और इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज में बैठे हैं वो भी आई प्ले 11 मैचेस इंटरनेशनल। थैंक यू। यहाँ पर देखिए छोटी सी उम्र में 11 मैचेस खेल के उन्होंने इंटरनेशनल लेवल का ब्रांज लिया है और स्टेट लेवल के गोल्ड मेडल में लिया है इन्होंने। इसी तरह से हमारा देश प्रगति करे यहाँ पर मैं यही VRNews.in से यही शुभेच्छा देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा बोलना है आप क्या बताते सर? ये बहुत ही मेहनती लड़का है जब से मुझे मिला है प्रैक्टिस करने में और कोई भी चीज़ करने में पीछे हटता नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड उसका पीछे है घर का बैकग्राउंड बहुत लो चल रहा है मम्मी पापा थोड़ा कमाने वाने में नहीं है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो मैं पूरे देश के सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ कि अपने भारत का एक अच्छा खिलाड़ी बन के उभर सकता है और महाराष्ट्र का ही रहने वाला यश तानाजी पाटिल जो पूरे हिंदुस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल देने की इच्छा रखता है और मैं इसका कोच योग गुरु आदेश श्याम होने के नाते मैं बता सकता हूं लोगों को कि इसके अंदर बिना प्रैक्टिस के वो जज्बा है। जब मैं इसको अपने पास बुलाया तो इसका ऑलरेडी इसके पास इतनी क्षमता थी कि ये बिना प्रैक्टिस के नेशनल में गोल्ड मार सके। मैंने ज़्यादा कुछ इसको बताया नहीं थाई बॉक्सिंग के थोड़े से टेक्निक बताए जो सामने वाले को गिरा सके और इसके अंदर वो नेचुरल पावर है अगर इसको अच्छा कोच मिल जाए इंटरनेशनल लेवल पे या हॉस्टल अच्छा मिल जाए ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। बस लोगों से मैं यही पूरे समाज से पूरे राजनेता से यही अपील करूंगा इसको यश पाटिल को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए यश पाटिल के कोच ने बताया है कि इस ये लड़के में एक बड़ी पावर है बड़ी क्षमता है जो भारत को गोल्ड मेडल देने की इच्छा रखता है ऐसे ही को हम बढ़ावा दें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा दें। राइट करो जो मेरा है राइट है ना मेरा तो राइट ही करो। यस आप कान को बराबर टच करो ऐसे यस एकदम जकड़ लो 10 बार श्वास लेना है। देखो आप सीधा मत रहो सीधा यहाँ प्रेशर आना चाहिए जाओ झुको जिधर का हाथ है उधर ही झुकना है। यस 10 बार 1 2 3 श्वास ज्यादा से ज्यादा लो 4 5 6 7 8 9 10 अदर साइड पूरा पकड़ लो अच्छे से देखो नेक में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। देखो मैं तो यहाँ पिछले 15 सालों से करा रहा हूँ पूरे लाफ्टर क्लब और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब जानते हैं मुझे यहाँ पे और मैं नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से जो मुझे फाउंडेशन मिला है प्लेटफॉर्म मिला है उनका मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इनके बैनर के तहे सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे पिछले 15 सालों से सब लोग नियमित रूप से आते हैं योगा करते हैं और इसमें बिना स्वार्थ
कोई पैसे वैसे की नहीं, एकदम खुशी मन से आते हैं, खुशी मन से जाते हैं और एवरीडे योगा करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे जो टीचर है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से लोगों को बताया, आप बता सकते हो इस योगा का क्या महत्व है? ये योगा का मतलब जो 5 साल से अपने को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके पहले से जो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, उस समय मेरा जो है वजन 108 किलो था। जब से मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू किया कराने लगा, डायबिटीज भी था और ब्लड प्रेशर भी, आज जो है इस समय मेरा जो है 86 हो गया वजन, इतना कम हो गया, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का नाम ही नहीं है, मैं गोलियाँ खाता भी नहीं, केवल एक्सरसाइज। इससे मन बुद्धि का जो है सबसे बड़ा जो है जो मानसिक आजकल विकार ज़्यादा फैले हुए हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो है मानसिक विकार एकदम दूर होते हैं, मन स्वच्छ रहता है, आत्मा स्वच्छ रहती है। पहले आपको था डायबिटीज और? डायबिटीज ब्लड प्रेशर पहले भी था, अभी नहीं है, 2012 के बाद नहीं। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है योगा करने से ब्लड प्रेशर और उनका जो डायबिटीज था वो भी कम हो गया है। यहाँ पर वर्ली विधानसभा के अध्यक्ष है यहाँ पर दीपक जी पाटिल, हम उनसे बात करेंगे। दीपक जी आपको क्या लगता है, ये योगा करना जरूरी है? योगा करना जरूरी है क्योंकि पिछले कई सालों से ये योगा हो रहा है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है। इसको जो मान्यता थी, आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हिंदुस्तान में योगा नहीं करते, लेकिन सभी लोगों ने इसको अपनाया है और जोर शोर से आज भारत का एक ब्रांड हुआ है योगा, और वो आज हमारे इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक सब यहाँ पे आज योगा करते हुए हमें दिखते हैं। आप अगर आज देखोगे पूरे टीवी चैनल पे तो हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे योगा होता है वो आज आपको दिखेगा। आज का ये जो तारीख आज 21 जून तय की है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा दिन आज रहता है। इस दिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूरज हमें देता है और वो ऊर्जा लेते हुए हमें लोगों तक पहुँचानी है, इसके लिए आज योगा डे मोदी जी से लेकर सब कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आने वाले स्वस्थ भारत की शुरुआत है। बहुत ही बढ़िया दीपक जी ने बताया कि योगा किस लिए होना चाहिए और आज का दिन का महत्व भी उन्होंने बताया। यहाँ पर राजेश कांगने जी आए हुए हैं, यहाँ हम उनसे बात करेंगे। राजेश जी, इस योगा के दिन आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ इस योगा दिन के लिए। माननीय अपने पंतप्रधान खुद योगा करते हैं, यानी कि उनको मालूम है कि योगा क्या होता है, वो खुद आपको सब बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इसको माना जाता है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद योगा करता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है योगा करना जोरदार तारीफ। यहाँ पर देखिए महिलाओं की भी संख्या ज़्यादा है, हम बात करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे योगा के बारे में? योग रखे हमको निरोग, ये स्लोगन हमें सबको जानना चाहिए। और योग के कारण से मन, आत्मा और तन, इन तीनों का मिलन होकर जो हमें स्वस्थ शरीर को बनाता है, तो उस स्वस्थता के लिए हमें योग करना बहुत ज़रूरी है। योग सबसे पहले पतंजलि ऋषि की देन है, और पतंजलि ऋषि ने ही इसको शुरू किया था, लेकिन मध्य समय में ऐसा हुआ कि इसको लोग भूलकर कुछ अलग से अपना एक्सरसाइज ब्रीदिंग और कुछ अलग करने लगे। लेकिन जब से योग आया है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस घोषित किया, ये सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी अपना संपूर्ण रूप से अधिकार जमा रहा है, और संपूर्ण रूप से हमें स्वस्थ बनाने का एक सही चेतन मन से जागृत करने का ये माध्यम बना है। तो मैं चाहूँगी कि योग दिवस पर ही नहीं, हमें हर दिन योग दिवस को याद करके हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए और भी हम बात करेंगे, कही है मैडम आपको क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, हम ब्रह्मा कुमारी से ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर भी राज्यों का, और हम क्या लेते कि जो हमारा हार्ट रेट को ठीक कर लेते हैं पतंजलि में, और पतंजलि में हार्ट रेट ठीक कर लेते तो हमारा मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इसीलिए हम उस पर लेवल मन बुद्धि संस्कार के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, और थॉट्स में भी बहुत माइग्रेशन मिला। और
वाइब्रेशन इससे क्या होता है, अच्छे बनते हैं और हमारा जो मन बुद्धि का जो थॉट्स का होता है ना, अभी डेमो सेशन होगा आपके जाने के बाद, डेमो सेशन तो उसकी एज बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है और उससे क्या होता है, हम बॉडी से इतनी मतलब रिलीट नहीं कर पाते, दिन भर नहीं रिलीट कर पाते, पर ये जो योग करते हैं मनोरोग मनोरुग अभी आजकल तो देखिए बहुत डिप्रेशन में है लोग, तो उसको हम क्या बोलना चाहते हैं, डिप्रेशन क्यों है आप सब कर रहे हैं, प्राणायाम करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मानसिक तनाव है, क्योंकि अभी वातावरण ऐसा है, क्लाइमेट से ऐसा हो गया है, इसलिए हम उसको उसका हम ज्यादा अटेंशन देते हैं कि मन बुद्धि स्वस्थ, आत्मा भी हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आत्मा ही अपना बॉडी चलाती है, बॉडी कॉन्शियस में हम दिन भर रहते हैं, तो हम कैसे होना चाहिए सब कॉन्शियस में कैसे रहे, ये भी मोदी ने हमको मोदी जी ने हमको ये बोले कि आप भी आगे आओ और हमको सब सपोर्ट करते हैं ब्रह्मा कुमारी से, और ये योग मोदी जी भी खुद योगा ये करते हैं, पहले मेडिटेशन करते हैं बाद में प्राणायाम करते हैं, तो बस बाकी धन्यवाद। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि बुद्धि और मन को एकत्रित करके सभी अपना शरीर जो है उसको उसकी आयु बढ़ने का काम करती है, और ये जो है भारत की देन है, लेकिन मोदी जी ने पूरी दुनिया में इसको बना दिया है, इससे पहले तो कई साल पहले गौतम बुद्ध जी ने भी वो ये सब मेडिटेशन का सब सभी दुनिया को देकर बहुत ही शांत प्रिय ऐसा दुनिया बने ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा था, और ये भारत की देन है जो अभी विश्व में मोदी जी ने इसको वापस से जारी किया है। मैं नागेश तांबेडकर, वीआर न्यूज दौटी। हम वर्ली सीपीएस में आए हुए, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन पांचवा यहां पर मनाया जा रहा है, और इस अवसर पे भारत सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के द्वारा यहां पर आयोजित किया गया द ह्यूमन योगा फाउंडेशन के और भारत सरकार के इस संयुक्त कार्यक्रम में इस योगा में सभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़े ट्रेनर आए हुए हैं, यहाँ सभी अच्छे तरह से सिखा रहे हैं, और इस योगा में वर्ली विधानसभा के भाजपा का सभी कार्यकर्ता ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं जो छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक यहाँ पर योगा करने के लिए आए हुए, और ये इस योग दिन में सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि योग से ही आरोग्य अपना ठीक रहता है, और यही करने के लिए यहाँ पर सभी को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ सरकार के माध्यम से यहाँ पर आए हुए लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम आप बताइए सभी को इस योगा के बारे में। आज 21 जून पांचवा अंतरराष्ट्रीय योगा दिन है, या वर्षी अपन पांचवा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करतो आहोत।